अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरुबा खान। हर खबर से बाखबर रहने का मौसर तरीके को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की एक रिपोर्ट। आज रोजा इफ्तार और लोगों को जरूरतमंद लोगों को जो है सामान वितरित किया गया। इस मौके पर आप आए, क्या कहना चाहेंगे मसीहानी वहाँ के लोगों को? माह रमज़ान के महीने में आज मसीहा टीवी की ओर से इफ्तार का आयोजन हुआ। उसमें सभी एरिया के लोग तथा सभी पत्रकार भाइयों ने यहाँ पे आकर इस प्रोग्राम में जो उनको सहयोग किया है उसके लिए मैं मसीहा टीवी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इफ्तार के पार्टी के साथ यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो एक प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया था, जैसे लोगों को यहाँ पे धान का, कपड़ों का और पत्रकार भाइयों के लिए इन्होंने जो कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे की है वो काबिले तारीफ है। मैं यहाँ पे उन्होंने जो बातें बताई कि पुलिस वालों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, ये बातें मैं आगे बताते हुए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आज 26वां रोज़ा है, मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों को आगे के रोज़ा के लिए शुभकामना देते हुए आने वाली ईद में सबको ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पे मेरे दोस्त खत्म करता हूँ। ऐसे मुस्कुराते रहो। हम अपने दुश्मनों को क्या हाथ में डाले नजर गिरा जैसा कि आज मसीहा न्यूज़ चैनल के द्वारा जो है ज़रूरतमंद लोगों को सामान वितरित किया गया और वहीं पर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम लोग शामिल हुए, तो कैसे आपने इस कार्यक्रम को कैसे किया और क्या है इसका? जी, मेरा ये कार्यक्रम तो मैं हर साल करता हूँ और सबसे पहला मेरा मुद्दा यह है कि सर, मैं महाराष्ट्र पुलिस फैमिली संगठन का भिवंडी शहर अध्यक्ष भी हूँ और पुलिस प्रशासन आज सबको अपनी फिक्र है, अपने बाल बच्चों की फिक्र है, पुलिस की फिक्र कौन करेगा? आज सबको मालूम है घर में जाना है तो सब्जी लेके जाना है, दूध लेकर जाना है। हमारे पुलिस भाइयों के बारे में कौन सोचेगा कि ये आज 12 घंटा ड्यूटी करते हैं? कोई कल्याण से आता है, कोई डोमोवली से आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई कसारा से आता है, कोई किधर से आता है बेचारा, उसको आप लोग करने में 1 घंटा से 1.5 घंटा लगते हैं और जाने आने में 14 घंटा
12 घंटा ड्यूटी करता है, उसको 2 घंटा जो है ट्रैवल्स में जाता है। तो मैंने बहुत रिसर्च करे बाद मैंने ये सोचा है कि ये मैं निवेदन मैं लेटर दूंगा सीएम साहब को भी, साहब आप जल्द से जल्द पुलिस वालों की ड्यूटी 8 घंटा करें। और ये प्रोग्राम जो मैंने आपने कहा ये प्रोग्राम हमने कैसे अरेंज किया सर, ये प्रोग्राम हम मसीहा टीवी न्यूज और महाराष्ट्र पुलिस फैमिली संगठन दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को हर साल अरेंज करते हैं। कितने लोगों को ये ऑर्डर किया सर? जब से रमजान चालू हुआ है हम कितना पैकेज घर घर ले जाकर भी दिए हैं, और जो बचे थे हमने यहाँ पर दिया है उनको बुलाकर। कपड़ा जो है कितने लोगों को आज सर? आज हमने 5 लोगों को कपड़ा दिया है, इससे पहले हमने 10 लोगों को दिया है, टोटल 15 से 20। हमारा 30 का टारगेट रहता है सर, हर साल 30 लोगों को हम लोग देते हैं। ये कहना चाहूंगा हमारे पत्रकारों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मैं खुद भी पत्रकार हूँ और पत्रकार भाई ना दिन देखता ना रात देखता है, बेचारा तबीयत भी खराब है फिर भी वो न्यूज चैनल दौड़ पड़ता है, वो अपनी जान की फिक्र नहीं करता।